बुलडोजर जस्टिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बुलडोजर जस्टिस के नाम पर किसी भी अपराधी, आरोपी, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान, ईसाई या इवन हिंदू भी, किसी के साथ भी अब आप इंस्टेंट न्याय नहीं कर सकते। तो क्या पहली सरकार, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जस्टिस के मामले में अगर ये पाया गया कि किसी का भी घर, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, दरगाह, कब्र, जो भी कुछ हो, गलत तरीके से अगर गिराया गया है तो उस अफसर को जेल भेजा जाएगा, पैसे की वसूली होगी और पूरा दोबारा से पुनर्निर्माण उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को, उन अफसरों को कराना होगा। तो क्या पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी शासित जहां बुलडोजर जस्टिस के नाम पर पूरा गवर्नेंस का नया ही मॉडल बनाया गया था और बड़ा चढ़ाव कर, तो क्या ऐसी पहली सरकार गुजरात सरकार होने जा रही है? क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, 1903 से स्थापित वहां मस्जिदें, दरगाह, कब्र और मकान गिराए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है, लेकिन चेतावनी बनी हुई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आपको ये खबर। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं लीगल ऑब्जर्वर। तो ये जो खबर आई है महत्वपूर्ण, बुलडोजर जस्टिस के नाम पे जो पूरा देश भर में एक अलग ही किस्म की न्याय व्यवस्था बन गई थी समानांतर, जहां कुछ हो तुरंत बुलडोजर, अब उसमें जस्टिफिकेशन दिया जा रहा था कि जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, जो भी गलत काम करेंगे या सामाजिक तत्व हैं, उन पर तुरंत न्याय, क्योंकि देश तो पीड़ित है कि लाखों सालों साल लग जाते हैं, कितने लाखों करोड़ों की तो हिम्मत ही नहीं है मुकदमेबाजी और इस सब में जाने की। तो उसको एक नए समानांतर न्याय व्यवस्था जिसकी खिलाफत होती है एक सभ्य समाज में, जिसकी काम गुंजाइश है, जब जिक्र किया जाता है कि तालिबानी न्याय व्यवस्था, तो ये उसके ही बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को कंटिन्यू कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि रोक अभी जारी रहेगी। गाइडलाइन बना रहा है सुप्रीम कोर्ट जो सब पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पर बराबर से लागू होगी, कोई इससे अलग नहीं होगा। ये जो पूरे एक देश में चल रहा था कि एक ही समुदाय से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जैसा कि आरोप लगाया गया है, बहुत सारी जो एनजीओस हैं, बहुत सारे जो मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने किया। और अभी ये ताजा मामला जो आया है वो है गीर, सोमनाथ जो जिला है, जहां सोमनाथ मंदिर है समुद्र के किनारे, उसके इर्द गिर्द जो 30 सितंबर को, 28 सितंबर को, 29 सितंबर को जो कार्रवाई हुई, अब उस कार्रवाई में पुरानी सालों से, 100 साल के करीब, 100 से ज्यादा साल, 1903 में बनी हुई मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्र हैं, कोई 5 मस्जिद है, कोई 10 के करीब, 5 दरगाह, 10 मस्जिद और 45 के करीब कुछ घर बताए जाते हैं, जो बड़े प्रमुख मीडिया के अखबार हैं, पब्लिकेशन से स्थापित, उनकी ये जानकारी। अब ये मामला उठा था, पाटनी मुस्लिम समाज जो है उनकी तरफ से याचिका आई थी, संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट वो उसको रिप्रेजेंट करें, प्रशांत भूषण दूसरे मामले में है ही जैसा आप जानते हैं, और भी कई जो दिग्गज नामी वकील हैं जो मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। पहले से मामला दिल्ली में आपको पता ही है, जहांगीरपुरी वाला चल ही रहा है, जो सीपीआईएम ने दाखिल किया हुआ है, और देश भर से अलग अलग, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, तमाम सब्जेक्टों से आया हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में जो सुनवाई की थी उसमें रोक लगा दी थी कि हम इसकी विस्तृत डिटेल्ड गाइडलाइन पूरे देश के लिए जारी करें, और सबसे एफिडेविट मांगे थी, बचाव कर रहे कई राज्यों का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का तुषार मेहता, इस मामले में गुजरात वाले तुषार मेहता ही पेश हुए थे। अब ज्यादातर ये जो राज्य है इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं कि ये सब भाजपा शासित राज्य है। केवल एक राज्य है जो तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, अभी जो रेवंत रेड्डी नए बने, उनके यहां भी बुलडोजर कार्रवाई, उनके वो एक कदम आगे चले गए, हाइड्रा, उन्होंने जो एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया हाइड्रा, हैदराबाद रीडेवलपमेंट करके, जो उसी तर्ज पर बना है, वहां जो
नागार्जुन है बड़े सुपरस्टार, उनकी भी कुछ उन्होंने एन करके उनका एक मॉल था उसको गिराया और भी कुछ हुआ। बाकी राज्यों में ये ज्यादातर जो मामले आए हैं वो समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के ही और उनसे जुड़े हुए एस्टेब्लिशमेंट जो है घर दुकान मकान उनको गिराने की बात है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की बेंच ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपराधी भी हो, आरोपी छोड़िए अपराधी भी हो, तो भी आप उसको इस तरीके से नहीं करेंगे, आप बुलडोजर का ऐसे नहीं करेंगे, बाकायदा गाइडलाइन होगी, आप नोटिस देंगे, समय देंगे, और अगर अवैध निर्माण भी है तो उस मामले में भी आप समय देंगे। हालांकि उन्होंने इसमें बड़ा क्लियर किया था बेंच ने कि इसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है सड़कों पर, फुटपाथों पर, रेलवे लाइन पर, दूसरी जगहों पर, और उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई भी हो चर्च हो, अगर अवैध निर्माण है जहां पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक की कन्वीनियंस को खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उसके आड़े नहीं आएगा, लेकिन बाकी किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और चूंकि उसके बाद ऐसे कई मामले आए, असम में एक मामला आया उसकी भी सुनवाई हो चुकी है, पहुंच चुका है वो मामला, और अब ये गिर सोमनाथ का जो मामला आया सामने जिसमें पाटनी मुस्लिम समाज का कहना है कि ये अपवाद नहीं है, उनका कहना है कि ये जानबूझकर द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन जो तुषार मेहता है उन्होंने सुनवाई में ये कहा कि साहब ये तो 2023 से चल रहा है मामला, ये कोई अभी नया नहीं हुआ है, तो पहले से चलता हुआ मामला है जिसको आगे किया गया। तो बेंच ने कहा कि फिलहाल हम रोक नहीं लगा रहे क्योंकि हमने क्लियर कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं है, उसके डेमोलिशन पर रोक है, लेकिन बाकी जगह नहीं है कि आप बुलडोजर लिए और पहुंच गए। अगर ये मानना का मामला होगा, उन्होंने सरकार से कहा 2 हफ्ते में अपना जवाब दीजिए, अगर ये उसका मामला हुआ तो अफसर जाएंगे जेल और अपने पैसे से बनवाना पड़ेगा पूरा दोबारा से। तो अब बात आ गई है यहां पर और 16 तारीख को इसकी सुनवाई है जिसमें गुजरात सरकार को बताना है कि ये उस कसौटी पे, उस यार्ड स्टिक पे था कि नहीं था, उस क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसा हुआ तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और जरूरी भी होगा, सरकार कोई भी हो, लेकिन अफसर ही क्यों, अफसर तो केवल माध्यम है, पॉलिटिकल लीडरशिप या जिसने भी एग्जीक्यूटिव जो है उसकी भी तो जिम्मेदारी इसमें आनी चाहिए ना, क्योंकि सारे बयानबाजी तो नेता करते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि आप महिमामंडन कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन कर रहे हैं मंत्रियों को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, AK शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय से गए हैं, पहले ब्यूरोक्रेट है, बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी महत्वाकांक्षा थी उत्तर प्रदेश में, योगी ने पर कतर दिए, लेकिन फिलहाल मंत्री बने हुए। तो उनका नोएडा का बयान था जिस पर खासा डिस्प्लेजर सुप्रीम कोर्ट ने जताया था, और इसमें कोई शक है या कोई शुबा है कि पूरी नैरेटिव इस तरह का बिल्ड किया जा रहा है, उसको मसल्स के साथ जोड़ के, हिंदू उसके साथ जोड़ के, सफरन उसके साथ जोड़ के, थोड़े इंस्टेंट न्याय के साथ जोड़ के, और बाकी भी जो चीजें, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो शिंदे है अक्षय शिंदे उसका जो एनकाउंटर हुआ, या उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट गई, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अपराधियों के साथ जो बातें सामने आई हैं जिनकी अब जांच चल रही है, चाहे वो सुल्तानपुर की ज्वेलरी डकैती का मामला हो, या उससे पहले विकास दुबे, या उससे पहले अतीक अहमद, या और दूसरे जो मामले जो अब अदालतों में है जांच के अलग अलग, उसमें कहीं पर ये, और वो सब अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज एक खास समुदाय मुसलमान समुदाय से ही जुड़े या दूसरे कम्युनिटी से जुड़े हैं जिसके ऊपर भी राजनीतिक बहस चल रही है, वो यादव और अपमान हुई है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या केवल अगर ये स्थापित होता है तो केवल अफसरों को सजा मिलनी चाहिए, क्या उससे जुड़े जो भी प्रशासन के मुखिया हैं, शासन के मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है या मंत्री है, क्योंकि ज्यादातर तो जो क्रेडिट लिया जा रहा है हमारे इधर देखें अगर आप तो योगी बाबा ही बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए, शुरुआत तो वहीं से हुई है, उसके बाद फिर सारे मुख्यमंत्री ने उसको लपक लिया है। तो केवल क्या अफसरों को ही बलि का बकरा बनाया जाना चाहिए अगर ये स्थापित हो जाता है, आप क्या सोचते हैं? हमारी राय यह है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी लास्ट माइल तक तय होनी चाहिए। जिनाफ अजली का जो शेर है ना कि उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां दिलाने में। ये उसी तरह का है, किसी गवर्नेंस में, किसी प्रशासनिक मॉडल में ये तय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के जो इंक्रोचमेंट थे रेलवे कॉलोनी के, उस पर भी उन्होंने कहा था कि बच्चे बूढ़े महिलाएं अवैध है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी है, करके देनी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। जो निर्धन लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, उनके मामले में तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। आप केवल असंवेदनशील इनसेंसिटिव होकर ये नहीं कर सकते। कानून का पालन ये नहीं है कि केवल आपने बुलडोजर लिया और पहुंचाया और गिरा दिया। बाकी जो चल रहा है, यहाँ जो बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है, वो तो बड़ी क्लियर है, वो तो उस पर तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं। इस मामले की जो सुनवाई 1 अक्टूबर को हो रही थी, उसमें अगर आपकी निगाह इस दिलचस्प बात पर नहीं पड़ी है, एक दिलचस्प जो फैक्ट है, जो एक तरह का कन्फेशन है, एक तरह का स्टेटमेंट है, किसने किया ये किया? तुषार मेहता, जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। जब बेंच के सामने उनका आर्ग्यूमेंट था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि साहब एक नैरेटिव बना दिया गया है, एनजीओ काम कर रही है, वेस्टर्न इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, मतलब पूरा काउंटर नैरेटिव जो था ना, वो ये था कि नहीं साहब, हम तो बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी जो सरकारें हैं हम तो बड़ा नोटिस देते हैं साहब, नोटिस देके उन्हीं को गिराते हैं जो अवैध कार्रवाई हो, अपराधी हो या वो। बेंच ने जब कहा कि अपराधी हो या आरोपी, तो भी आपको ये हक नहीं है कि आप उनका घर गिरा देंगे और इस तरीके से बिल्कुल नहीं गिराएंगे, और अगर अवैध निर्माण है तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो उस दलील को देते समय जो तुषार मेहता जी ने कहा कि साहब देखिए 70% मामले तो जेन्युइन है, 70% है, और जैसा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मतलब माइनॉरिटी विशेष के खिलाफ हो रहा है, और मौका नहीं दिया गया उसको जिसको बुलडोजर जस्टिस नाम दिया जा रहा है, करीब सब 2% है, तो समझ रहे हैं 2% है। ये कौन कह रहा है? भारत का सॉलिसिटर जनरल, उन तमाम सरकारों की तरफ से ये एक तरह की स्वीकृति है, कन्फेशन है कि 2% मात्र 2% ऐसे जिन पर आरोप लग रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि क्या निर्वाचित सरकार को, लोगों द्वारा बनाई गई लोकतांत्रिक सरकार को, जहां भी चुनाव से ही सरकारें बनती है, चुनाव कैसे होते हैं, कैसे वोट मैनिपुलेट होती है, उसको हम एक तरफ बाजू रख देते हैं, अभी उसकी बात नहीं करते, लेकिन निर्वाचित सरकार तो है, तो लोगों की सरकार में क्या सरकार 2% अगर 4.5 लाख मामले, जिस पर केवी विश्वनाथन साहब ने कहा जस्टिस कि भाई 4.5 लाख मामले आए हैं पिछले 4 सालों में, उन्हें आप थोड़े से मामले कह रहे हैं, ये आंकड़ा थोड़ा सा है, और अगर 2% भी है, भाई कानून तो कहता है एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो 2% का आंकड़ा अगर उनके ही पैमाने से 4.5 में से 2% भी लिया जाए तो कितना निकलता है? 900 तो हो गए ना उनके हिसाब से। अरे भाई यहां एक आदमी का भी घर अगर आप तोड़ रहे हो, कोई भी हो, उसको इस तरीके से गिराए तो उसको आप ये कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं? आपके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है 2%। ये वैसी बात है ना जैसे प्रधानमंत्री जी, नॉन बायोलॉजिकल जी जो हमारे हैं अवतार पुरुष, इन दिनों सिट्टी पिट्टी घूम है और संसद में क्या कहा था कि ईडी सीबीआई तो देखिए कितनी जबरदस्त रिकवरी की है, पहले की सरकारों में वसूली या जो रिकवरी थी इतनी थी, हमारी सरकारों में देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 16,000 करोड़ का हमने रिकवरी की। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 4,000 में से मामला जो आपने दर्ज किए हैं उनमें से आप 0.75%, उससे भी कम है कन्विक्शन रेट, तो ये आंकड़े की जो बाजीगरी है, ठीक है, क्या ये जस्टिफाइड है कि केवल 2% मामला, ये कन्फेशन नहीं है तो क्या इसकी सजा नहीं होनी चाहिए, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइए। लोकतंत्र में आप नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो कोई उम्मीद मत करिए बदलाव की। बदलाव अगर चाहते हैं, अगर व्यवस्था चाहते हैं कानून और संविधान के मुताबिक, तो नागरिक को, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी तो नागरिक है, उसको खड़ा होना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुखर होना पड़ेगा, खुद भी मुखर होना पड़ेगा, और जो लोग मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पे ही आप इंडिपेंडेंट वॉइसेस को देख सकते हैं, जो भी तमाम लोग हैं, आप सब
ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण वक्त में उनका साथ देना, उनका प्रोत्साहन करना, उनको प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें अपनी राय से अवगत कराइए और इंतजार कीजिए 16 अक्टूबर का, तब जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो मांगा गया है जवाब वो सामने आए और जस्टिस गवई के बेंच में है, तो ये समझ लीजिए कि अब आसान नहीं है, हिली पड़ी है सरकारें इवन बाकी भी जगह, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब सबका होगा। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।